नमस्कार। तो ये मेरा देहरादून का ट्रिप चल रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड के तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देहरादून में ही हैं, देहरादून के आसपास हैं। हम जानते हैं श्री गुरु रामराय बिल्कुल बीचों बीच है ISBT पे, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। हिमालयन जॉली ग्रांड बहुत फेमस है, जो कि देहरादून से हरिद्वार की रोड पर है। और ये तीसरा कॉलेज जो बिल्कुल नया दोबारा आया है, 2 साल पहले 2023 में इसका तीसरा बैच होगा, 21 में लॉन्च हुआ था, 22 में इसका सेकंड बैच था। और जैसा कि आपको मेरे पीछे से और मेरे लेफ्ट राइट से हालत का पता चलेगा, लास्ट ईयर इस कॉलेज पे जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को भी MBBS की सीट मिली थी और ये कॉलेज फ़िलहाल तो देखिए उसी के लायक लग रहा है मुझे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कॉलेज के आसपास इस बात से पता चलता है कि मैं अस्पताल के अंदर पूरा चक्कर काट के आ गया और एक्चुअली मुझे पूरे अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस नज़र ही नहीं आई। तो पता नहीं यहाँ पर एम्बुलेंस है भी कि नहीं है। और सामने मेन गेट आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब बिल्कुल एक अंडर कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल कह लीजिए, कॉलेज कह लीजिए। फर्स्ट इंस्पेक्शन इसने NMC कैसे पास कर ली भगवान जाने। अस्पताल तो खैर चल रहा है बट नाम के बराबर ही चल रहा है। और बिल्कुल ये अस्पताल वही है जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए खोले गए हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ। सो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में इस कॉलेज को मैं बिल्कुल हरियाणा के वो जो दो कॉलेज मैं हमेशा बोलता हूँ उन दोनों के बराबर रखूँगा, झज्जर और इसराना के। और बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश के भी अगर 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तो ये बिल्कुल जो नीचे वाले 10 होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ माइनॉरिटी के अलावा ये उसी की कैटेगरी का है। तो जिस तरह हम UP के कुछ कॉलेजों का, चाहे वो TS मिश्रा हो, चाहे वो प्रसाद मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो पैसिफिक उबरा का मैंने आपको वीडियो बनाया था, तो वो जो UP के बिल्कुल नीचे वाले कॉलेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, वरुण अर्जुन, वेंकटेश्वरा, गजरौला, उसी के लेवल का एक कॉलेज है। बल्कि फीस इसके उनसे ज़्यादा है, कोई फ़ायदा नहीं है देने का। हाँ वही बात है कि जो उत्तराखंड स्टेट कोटा होता है तो उसको फ़ीस सस्ती पड़ जाती है और शायद उन्हीं बच्चों के लिए। और तभी ये वजह है कि लास्ट ईयर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था 2022 में अपनी सीटें भरने के लिए, और कंसल्टेंट्स को बिल्कुल ये इंसेंटिव देता है। लेकिन आप मुझे जानते ही हो, वी आर ए काउंसलर। देखिए इस कॉलेज में आप तभी आइए, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँ, जब हमारे पास और कोई चारा ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह की फैमिली होती है, कभी कभार हमें एक सीट चाहिए होती है कि MBBS की डिग्री चाहिए होती है और एक खैर उसी के लिए करेगा। लोकेशन उतनी ख़राब नहीं है बिकॉज उत्तराखंड इज़ ए गुड प्लेस। और ये एक तरह से देहरादून के तीसरी तरफ है, तो एक तरफ ISBT था, एक तरफ मसूदी के लिए जाते हैं, एक तरफ हरिद्वार के लिए जाते हैं जहाँ जॉली ग्रांट है। ये एक्चुअली मैं जहाँ से आ रहा था, और मैं आ रहा था, आप जानते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ को देखे, मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, तो पोंटा साहब की तरफ से जब हम देहरादून में एंट्री करते हैं तो ये देहरादून से 15 किलोमीटर पहले आ जाता है। टेक्निकली इसे चक्राता रोड कहते हैं और ये बाहर की तरफ है। अभी रोड पे इस तरफ आगे जाएंगे तो फिर वो मेन देहरादून हिट हो जाएगा। चलती रोड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो बच्चा आपका बोर नहीं होगा, वो सब बातें तो हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मेरे लेफ्ट राइट मेरे पीछे देखिए तो आपको आइडिया लग रहा है कि 2-4 ही रिक्शा खड़े हैं और मैं अंदर भी जा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल इच्छा नहीं हुई मेरी। ठीक मेरे पीछे एक केमिस्ट की दुकान है और इससे भी आपको पता चलता है ना कि एक अस्पताल चल रहा है उसके आसपास में कितने केमिस्ट की दुकान है। ज़्यादा जमा आज सुबह आपको मैंने वो दिखाया था, लेकिन MMU मुलाना जब आप देखते हैं तो वो तो सरकारी कॉलेज की तरह, वहाँ पर 20 केमिस्ट की दुकानें, 25 केमिस्ट की दुकानें हैं। MMU सोलन में भी 6-7 दुकानें थी अगर आपको ध्यान होगा तो, बट इस अस्पताल के सामने सिर्फ एक दवाई खाना है। और हमेशा जानते थे एक अंदर भी है, पर हमेशा जानते हैं कि अंदर वाले कभी वो नहीं देते डिस्काउंट, तो अक्सर लोग बाहर से दवाई लेना पसंद करते हैं। बट एक स्टोर है, मैं स्टोर वाले से बात की तो उसका भी ये कहना है कि बस जी काम चलाओ, काम ही है। और जितने हमें लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं रिक्शाओं में बैठ के, इसे स्टाफ मेम्बर ही है। सो ओवरऑल मामला थोड़ा ऐसे ही है और आई डोंट थिंक कि दिस कॉलेज इज़ रिकमेंडेड। और वही मैं कहता हूँ कि इन्फ्रा हॉस्टल वगैरह सब अभी बन ही रहे हैं, मैं सच बताऊँ, बस वो शायद ये एमरजेंसी में लॉन्च कर दिया गया है पैसे कमाने के लिए। तो जैसा मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ, जिसको भी और सीट नहीं मिल रही वो यहाँ पर आके अपना MBBS बनने का सपना पूरा कर सकता है। क्वालिटी को लेके, बाकी सब चीज़ों को लेके इट्स हाईली क्वेश्चनेबल, और पेशेंट फ्लो वगैरह तो बहुत कम होगा ही, तो उस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। 2 साल पहले खुलाया तो PG होने का मतलब ही नहीं बनता। तो जैसा मैंने मोस्टली कहा, फ्रॉम अ प्योर नॉर्थ इंडियन परस्पेक्टिव, और मैं उत्तराखंड के बच्चों से अपील करूँगा कि आप स्टेट कोटा के चक्कर में भी यहाँ ना आए, देर आर बेटर कॉलेजेस इन UP और हरियाणा और आसपास के बाकी स्टेट में जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जब कहीं कुछ ना मिले तो यहाँ पर आइए, और मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ जब लास्ट ईयर
120 नंबर पे भी यहाँ सीट मिली है लास्ट में, तो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। सो ठीक है, बेस्ट विशेस। और फिर आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, कॉल कीजिए 9643362320 पे। आप मेरे साथ एक टेलीफोनिक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं या मेरे साथ फेस टू फेस मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 2500 रुपये फ़ीस है टेलीफोनिक मीटिंग का, 5000 फीस है फेस टू फेस मीटिंग का। और फिर मैं बताता हूँ कि आपके चार्जेस क्या रहेंगे और आपको उम्मीद है भी कि नहीं है। हमारी काउंसलिंग फ़ीस 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर कितना है और मेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है आपके लिए। हमारा कोई फिक्स रेट चार्ट नहीं है, पता नहीं अब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। देखिए, अगर आपके 400 नंबर हैं और आप बोलोगे सिर्फ DMD की काउंसलिंग कर दो, तो मैं आपसे खुशी से सिर्फ 50,000 रुपये लूँगा। मुझे आपसे 1.5 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपये वाली मेहनत ही मैं करूँगा आपके लिए। हाँ, अगर आपके 130 नंबर हैं और मुझे आपके लिए 8 स्टेट की काउंसलिंग करनी है, तो 1.5 लाख रुपये जाता है। आपके 650 नंबर हैं, मुझे सिर्फ आपके लिए गवर्नमेंट की 2 काउंसलिंग करनी है, तो वी आर वेरी हैप्पी विथ 30,000 रुपीज़ ऑल्सो। सो हम उसकी तरह नहीं है कि फ़िक्स हो गया जी 500 नंबर से कम है तो सबसे 1 लाख रुपये लेंगे, हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, कॉल कीजिए, बाय बाय।